पुनीत, क्या कोई फहरिस्त, क्या कोई लिस्ट तैयार की गई है आरोपियों की पड़ताल करने के बाद कि किन किन घरों को आने वाले वक्त में बुलडोज किया जाएगा? जी बिल्कुल, बाकायदा अधिकारियों ने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें जो भी आरोपी हैं या इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए लोग हैं उनके घरों को जमींदोज करने की तैयारी की जाएगी। पहला घर यह जफर अहमद का है जिसको गिराया जा रहा है, जो कि चकिया इलाके में, और यहां से महज कुछ दूरी पर ही अतीक का घर भी बताया जा रहा है, यानी कि महज चंद कदमों की दूरी पर अतीक अहमद का घर है। यह जफर जो काफी करीबी बताया जा रहा है अतीक का, और इसके घर पर ही बाकायदा हत्या के बाद जो कातिल थे वो यहाँ पर शूटर आकर के रुके थे। इसके अलावा जो लिस्ट है जिसमें मकानों को गिराया जा सकता है उसमें गुड्डू मुस्लिम, नफीस, अरमान, सदाकत और गुलाम, ये खास तौर पर नाम है। इसके अलावा रुखसाना का भी नाम आ रहा है जो जिसके नाम पर क्रेटा कार थी। तो ऐसे में एक लंबी फहरिस्त बनाई गई है और उस फहरिस्त के आधार पर यह पहला जो कदम है दोस्तीकरण का वो इस वक्त की जाए। फ्रीडम ऐप से सीख कर आपने मछली पालन शुरू किया है, अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। और प्राधिकरण की टीम, पुलिस की टीम मजदूरों को लेकर के 4 बुलडोजर को लेकर के यहां पर पहुंची है, और अब इस बुलडोजर की कार्रवाई में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए अब यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को कर रही है। फिलहाल जो आरोपी है, बताइए आप, एक बात आप बताइए, जफर अहमद के घर को बुलडोज किया जा रहा है, आपने बहुत अहम जानकारी दी कि अतीक अहमद का जो घर है वो भी यहां से चंद कदमों की दूरी पर है। हमने देखा जो सीसीटीवी फुटेज जारी हुई उसमें अतीक अहमद का बेटा असद किस तरह से खुद गोलियां चलाता हुआ नजर आया, हत्या का वो भी मुख्य आरोपी है। क्या कोई तैयारी है अतीक अहमद के घर पर भी बुलडोजर चलाने की, असद के घर पर भी बुलडोजर चलाने की, या फिर उनके घरों की जब पड़ताल की गई तो कुछ ऐसा नहीं मिला कि उसे बुलडोज किया जा सके? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अतीक अहमद के घर पर भी बुलडोजर चल सकता है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा असद की भी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। तो ऐसे में जो भी इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए इस पूरे मामले में अतीक अहमद को मास्टरमाइंड बनाया गया और उसके बेटों का नाम भी बाकायदा नामजद किया गया है। तो ऐसे में अतीक अहमद के घर पर जी ठीक है पुनीत, तो आपसे लगातार हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन जफर जो इस पूरे मामले में बताया ये जा रहा है ये वही जफर का घर है जहां पर उमेश पाल की हत्या करने के बाद तमाम जो आरोपी हैं, जो कि नामजद आरोपी हैं, उन सब ने अपना ठिकाना बनाया था। और इस घर को चिन्हित करने के बाद अब जो पीडीए है, जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका बुलडोजर आप देखिए तस्वीरों में, ये बुलडोजर इस मकान को ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा जैसा पुनीत ने बताया कि ना सिर्फ जफर बल्कि तमाम जो इस पूरे मामले में नामजद आरोपी हैं उनकी लिस्ट तैयार है और कहां कहां पर उनकी संपत्तियां हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। पुनीत ये बताइए कि जफर के घर पर ये जो कार्रवाई हो रही है, यहां से शुरुआत हो गई है, क्या आज ही और भी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, किस तरह से बुलडोजर का एक्शन चलता हुआ नजर आएगा? देखिए प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद गुप्त रख रहा है, इसीलिए पहले गुलाम नाम आ रहा था, फिर रुखसाना, और फिर अंत में पता चला है कि उस घर को जमींदोज किया जाएगा जहां पर कातिल आकर के रुके थे, और ये घर था जफर अहमद का। उम्मीद ये भी की जा रही है कि हो सकता है कि आज ही किसी और आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चले, क्योंकि प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, पेपर वर्क पूरे कंप्लीट कर लिए गए हैं, और उसके बाद ही जो 4 बुलडोजर यहां पर लेकर के चकिया इलाका है प्रयागराज का वहां पर पहुंचे हैं और घर पर बुलडोजर के वार कर दिए गए हैं। ये देखा जा रहा है कि इस घर के तोड़ने से जो अड़ोस पड़ोस का घर है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, फिलहाल यही कार्रवाई कर रही है और प्रशासन लोगों को पूरी तरीके से इस इलाके से दूर कर रहा है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रहा है, और अब यहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उम्मीद ये भी है कि जफर अहमद ये पहला आगाज किया गया है बुलडोजर के जरिए ध्वस्तीकरण को लेकर के, और इसके बाद जो इसमें तमाम आरोपी हैं उनके भी घरों को ध्वस्त किया जाएगा। खासतौर से 9 लोगों को इसमें नामजद किया गया है, और इसके अलावा जो और लोग कॉन्स्पिरेसी में थे उनकी भी पुलिस पहचान कर रही है, उनके घरों की तलाश कर रही है, कुछ के घर बिहार में भी बताए जा रहे हैं, और तमाम जो टीमें हैं एसटीएफ और एसओजी की वो पूर्वांचल के तमाम इलाकों में भी रेड कर रही है। फ्रीडम ऐप से सीख कर आपने मछली पालन शुरू किया है, अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।